आज भी बंद रही भुवनेश्वर सबुठू भुवनेश्वर सबुठू जनगहलीपूर्ण मार्केट बिल्डिंग प्रतिश्रुति मुताबक उठा दुकानी मानंकु बीएमसी उठाई पारि नथिबारु सेंट्रल मार्केट व्यवसाय संघ पक्षरु मार्केट बिल्डिंग को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बंद रखा जाइछि। समस्या समाधान नहेबा पर्यंत मार्केट बंद रखिबाकु चेतावनी देइछि संघ। अनेबडे अस्थायी व्यवसायी माने हाईकोर्टर अर्डर देखाइबा सहित सेहिठि बसि व्यवसाय करबा पई जिद धरि बसिछन्ति। बीएमसी स्वतंत्र स्थान प्रदान पई सेमाने दाबी भी करिछन्ति। आज भी मार्केट बिल्डिंग बंद। गत काली मार्केट बिल्डिंग बंद रही अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बंद होपर्यंत प्रतिश्रुति पूरण कराए। प्रतिश्रुति मुताबक उठा दोकानी मानंकु बीएमसी उठाई पारि नथिबारु सेंट्रल मार्केट व्यवसाय संघ पक्षरु मार्केट बिल्डिंग को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बंद रखा जाइछि। अधिक सूचना पई चिन्मयी साहू आम प्रतिनिधि सदाशक आम सहित जोड़ी होती। चिन्मयी, आज भी मार्केट बिल्डिंग बंद और सबुठू राजधानी जदि व्यस्त बहुल स्थान कोटा कहुए ताकि हूँ मार्केट बिल्डिंग व्यवसाय प्रभावित होती जो मैंने ग्राहक रही भी असंतुष्ट हो पार्टी समाधान बाट बाहरी पार्ला कि निहाती भाव में निवेदिता 24 घंटा पूरी जो भाव में जो सेंट्रल दुकानी माने रही सेंट्रल व्यवसायी संघर जो सदस्य माने रही से माने भाव में कथा देते कि आम सहित आलोचना करूँ बीएमसी आसी आलोचना करूँ नचे आम बंद रखू से आधार आज द्वितीय दिन में मार्केट बिल्डिंग बंद रही पूरा भिजुआल देखिपे भुवनेश्वर सबुठ जनगहलीपूर्ण स्थान सबुठ बड़ मार्केट कहे मार्केट बिल्डिंग को बुझाए। हजार हजार लोक प्रत्येक दिन मार्केट बिल्डिंग आसती किणाबिका व्यवसाय होता है कि कोटना कोठी बीएमसी रो अपारगता उठा दोकानी एवं स्थायी दोकानी जो उभय पक्षंकर जो झगड़ा रही उभय पक्षंकर जा परस्पर प्रति दोषारोप रही कौन सी प्रकार सल्यूशन बाहर पारुनी बीएमसी डाकिक आलोचना करूनी जार फलस्वरूप दुई दिन धरी मार्केट बिल्डिंग बंद रही पूरा 165 दोकान जहाँ मार्केट बिल्डिंग भितर स्थायी दोकान रही बंद रखी से गवर्नमेंट दोकान गुड़िक रही जहाँ पूर्व आम कि लोकंर प्रतिक्रिया नौलू प्रतिक्रिय कहते दुई दिन में पखापाखि 10 कोटी टंकार बेपार तांकर लॉस रे चली जो मैंने उठा दोकानी अच्छा से माने प्रतिक्रिय रखुते 4 लाख टंकार दुई दिन में बेपार लॉस होती आम टोटाली देखुचे कोटना कोटी एथेरे राजस्वर राजस्व हानि हो जो ग्राहक मैंने रही जो मैंने मार्केट बिल्डिंग किणाबिका आसर असुविधा होने फेरिक जाऊँगी। आउ गोटे पटे जो स्थायी दोकानी मैंने अच्छा से अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धारणा बस गत कालठू से धारणा बस पूर्व जितेबाला बीएमसी को जनईले तारीख देते तीन दिन समय देते तीन दिन भितर बीएमसी किसी पदक्षेप नेलानी जार फलस्वरूप से धारणा गत कालठू बसीचंते आज सीधा सीधा कहीदेन जदि बीएमसी कमिशनर बीएमसी मेयर कौन सी एथेर हस्तक्षेप न करे कौन समाधान यार कौन समाधान न हो पार अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मार्केट बिल्डिंग बंद करने सहित कमिशनर घर आगे से धारणा बसवे। अंपटे जो उठा दोकानी मैंने सेमर चेतावनी देखते जदि तीन दिन भाव में पूर्व स्थायी दोकानी मैंने कि तीन दिन जाए बंद रखे से गुरुवार ठू आम मार्केट बिल्डिंग भितर बसबू दोकान करू आमको बीएमसी उठे पारे ये जो उभय पक्षंकर जो झगड़ा चली उभय पक्षंकर जो जुक्ति रही जदि ठीक भाव में बीएमसी एक्शन न निए बीएमसी समाधान न करे कोटना कोठी उभय पक्षंकर तो लॉस जहाँ होची अन्यपटे साधारण लोक मैंने सफर होने जिते बड़े किणाकिणी करने आसुंच किसी लोक फेरिक जापटे जदि व्यवसाय कथा कह उभय पक्षंकर व्यवसाय घाटा सृष्टि होती भाव मुझे कहूँ 10 कोटी ऊर्ध टंका नष्ट 10 कोटी अधिक टंका जदि कह व्यवसाय हानि होपटे जो अस्थायी दुकान मैंने अच्छा जदि कह बेपार लॉस होपटे जो स्थायी व्यवसायी मैंने अच्छा धारणा बस पूरा विजुअल आपड़ देखिपे कौटना कौटी उभय पक्ष बीएमसी को दायी करण उभय पक्ष बीएमसी आगे जिते बड़े बारंबार अभियोग कर गोटे सल्यूशन कौटना कौटी बीएम सबकि फिका जो मैंने अच्छा स्थायी व्यवसाय संघ तक सहित आलोचना करवा आज्ञा आपत कालीठू बसिले बीएमसी रू किए आलोचना काली डेप्युटी कमिशनर मार्केट आसते कथाई मुझे डाकिए डाकि ना कि कथ आगो को कौन स्टेप ने तो बसी आमे वर्तमान
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭାବେ ନିବେଦିତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କୁହନ୍ତୁ ବା ମେୟର କୁହନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଲା ରହିବ କି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। निश्चित भाव में आगामी दिन में कौन बड़ स्टेप ने ना ना ता पूर्व आलोचना माध्यम रे समाधान होता निश्चित चिन्मयी नजर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी साहू भुवनेश्वर प्रतिनिधि सीधाशोक मार्केट बिल्डिंग परिसर आम सहित जोड़ी खबर को नहीं अधिक आलोचना करूँ।